गाइस वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस जा रहे हैं आप कुछ काम करने और नाश्ता का देखते हैं क्या सीन चल रहा है। गाइस आप लोग को दिखाते हैं नाश्ता का सीन क्या है। नाश्ता में चना है, चना भी खाते हैं। और आज बहुत जल्दी दाल बना दी गई है तो चलते हैं चना देखते हैं, खाते हैं इसको धुल के अच्छे से। उसके बाद चना खाने के बाद कुछ देर के बाद फिर खाना खाते हैं। आप लोग देख सकते हैं आज का मौसम कितना सुहाना है और आज धूप भी नहीं हुई है। और देखते हैं बारिश कब तक होती है, वेट करते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, भीगा है थोड़ा सा और ये सूख गया है मतलब धूप होने के कारण। अब ये चाट भीगा है पूरा का पूरा और हवाएँ भी चल रही हैं थोड़ा थोड़ा। बारिश हो जाए तो अच्छा रहता है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। कचरा थोड़ा सा साफ हुआ था और यहाँ पे आए थे सब लोग, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये हमारे छत का व्यू है, देख लीजिए ऐसा। तो गाइस चल रहे हैं प्याज काटने और प्याज काट के दाल में तड़का लगाना है तो प्याज काट लें थोड़ा और इसके बाद तड़का लगा दें। तड़का लगाने के बाद फिर चावल थोड़ा सा रख देते हैं तो ऐसे करना है और इसको बीच में से फाड़ देना है। फाड़ने के बाद ऐसे अलग करना है, करने के बाद इस तरह से फिर देखो तुरंत छिलेगा इसको। तो आप लोगों को भी अगर लहसुन छिलने में कोई प्रॉब्लम होती हो घर पे या कहीं भी तो आप लोग को एक चक्कू लेना है, ऐसे डालना है और ऐसे फाड़ देना है। फाड़ने के बाद अगर का ये निकल गया और बगल का ये निकल गया, कितना आसान है देख रहे हैं। इसी तरह बस करना है, इस तरह जल्दी से काम भी हो जाता है तुरंत और बैठक में हाथ में नाखून में प्रॉब्लम। काट लेते हैं, काटने के बाद फिर तड़का लगाते हैं। गाइस हम लोग का तो यहाँ पे सही है, मतलब रूम सही मिल गया है और मकान मालिक भी सही मिल गया है जिससे प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो चाहिए वो मिल गया। किचन बिना किचन का एक ही रूम में बैठने से बहुत प्रॉब्लम होती है, उसी में बनाओ उसी में रहो। ऐसे बाहर किचन है ऐसे अलग से तो यहीं से गैस निकल जाती है और रूम में भी नहीं कोई प्रॉब्लम होती है। तो चल इसको काटने, तो गाइस काटने के लिए बस इसको करो और बस काट दो, जल्दी जल्दी काट दो। काटने से काट के फिर हम तड़का लगा देते हैं। गाइस तड़का लगाते हैं, फिर चावल रखते हैं कटके दाल। तो तेल डाल दिए हैं और अब जीरा डालते हैं। जीरा डालने के बाद फिर इसको, अभी तेल गर्म नहीं हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया तेल गर्म होना। और गर्म हो जाएगा तेल तो फिर डालते हैं इसमें हम अपना ये, इसलिए कि ये हम लोग का सबसे बेस्ट होता है। डालने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है हम लोग का दाल का। अब इसको हम चला रहे हैं जिससे लाल हो जाए। लाल होने के बाद फिर मैं इसमें प्याज डालूँगा। डालने के बाद फिर मैं टमाटर डालता हूँ उसमें। तो प्याज डालना है इसलिए कि अब हो गया है, हमको लगता है वो पेस्ट और पेस्ट लाल हो गया और अब प्याज डाल, तो प्याज डाल देते हैं इसलिए कि जलना है, इसलिए कि जल जाता तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ही रह जाएगा। इस तरह को प्याज डाल देते हैं, प्याज से तड़का इसको और जल जाएगा। इसके बाद ही टमाटर डाल देंगे। ये है प्याज। तो गाइस टमाटर डालने वाले हैं, प्याज डाल हो गई है, टमाटर डाल देते हैं जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। और दाल हम लोग स्वादिष्ट हो जाती है जिससे बिना सब्जी का ही खाया जाता है, दाल से ही काम कर जाता है। ऐसे नॉर्मल दाल रहेगी तो फिर उसको इसके लिए सब्जी बनाना पड़ता है, अब ऐसा रहता है तो सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तुरंत चावल बना के खा लेते हैं हम लोग। तो अब दाल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इसमें अब दाल डालते हैं। देख रहे हैं कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, चला देने से
इसकी जो टमाटर है वो कट जाता है और इसमें पीस के इसमें मिक्स हो जाते हैं जिससे वो दिखते ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए लाजवाब दाल, जैसा लग रहा है शाही पनीर बना रहा हूँ। तो इसमें पूरी डाल देते हैं जिससे ये हो जाए और मैं चावल रख दूँ। एक साइड दाल होती रहे और मैं थोड़ा चावल ले लेता हूँ। चावल लेने के बाद फिर मैं चावल रखता हूँ और मैं ब्राउन चावल ले लूँ। तो भाई अब चल रहे हैं कटोरी चावल डाल देते हैं जिससे हम लोग का चावल बन जाए और उसके बाद फिर हम लोग भोजन कर लें। टाइम तो हो गया होगा 12 बज रहे होंगे। राइस सही से और भूलने के बाद दो तीन पानी जाता है, तीन साथ में जाता है और अच्छे से बन जाता है। तो गाइस सब पानी हो गया है और अब इसको हम रखते हैं। दाल भी हो गई है, दाल देखिए रख लेते हैं और इसको अच्छा डाल देते हैं। देखिए चावल भी हो गया, देर में चावल हो जाएगा अपना। ये है अपना चावल और ये रही अपनी दाल, ये भी हो गई है। अब इसको टोप देते हैं किसी चीज़ से, ये तावा से टोप देते हैं। का अच्छा ही तावा है। तो गाइस मेरे भाई का 14 तारीख को ग्रुप डी का पेपर है, उसके लिए लगा पड़ा है कभी से। आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है और जल्दी से जल्दी भगवान से मैं दुआ करता हूँ जल्दी से जल्दी इसका सिलेक्शन हो और हमारा भी हो जाए और हम लोग यहाँ से चलें। इसलिए कि कब तक इलाहाबाद में रहा जाएगा, अगर इलाहाबाद में ही जॉब लग जाती है तो उससे बढ़िया क्या चाहिए। इसलिए कि इलाहाबाद सबसे बेस्ट जगह हम लोग मानते हैं और अच्छा भी लगता है यहाँ रहने पर। अब खाना स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग लेते हैं खाना खाने के लिए। और मेरा शुभम भाई अचार निकाल रहा है, अचार निकालता है फिर खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भाई करना जल्दी, भूख लगी है। अब अचार पूरा अंदर डाल दिया है भाई ने मेरा, बाहर तो गिरा है लेकिन पूरा अंदर चला गया है। अब खाना निकालेगा तो भाई शुभम जल्दी खाना निकालना, भूख लगी है जल्दी यार। चावल निकल रहा है, चावल निकाल रहा है भाई, उसके बाद दाल निकालता है। दाल निकालने के बाद फिर हम लोग खाते हैं। भाई देखो मेरा पैर जला दिया मेरा भाई ने, देख लो लाल हो गया पूरा। अभी हंस रहा है देख रहे हो, और हंस रहा है जला के। दाल निकालता है उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, और अच्छा लगा तो मेरा वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब मेरा चैनल करवा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।